आज मैं आपके सामने किस्सा हरिया उबन का यानी दूसरा भाग भावना कैसेट के माध्यम से पेश करने के लिए जा रहे हैं। और हमारी इस भावना कैसेट कंपनी के निर्माता हैं आर के वर्मा जी और संयोजक हैं गुलाब सिंह वर्मा जी और गायक आपके जाने पहचाने सबर सिंह यादव, आशा यादव एंड ममता। और संगीत प्यारा प्यारा दे रहे हैं हमारे वीरू पांडे जी एंड पार्टी। और थाली पर साथ दे रहे हैं राम सेवक वर्मा जी बरना वाले और रिकॉर्डिंग गुप्ता स्टूडियो आगरा। तो लीजिए प्रोग्राम पेश है आपके सामने। तो देखिए मेरे श्रोताओं, पहले भाग में आपने सुना यानी जीवा बेटी और भाभी में जब तकरार हो जाती है तो जीवा बेटी बड़े ही क्रोध में और वहां से चली और मार्ग में एक बुढ़िया से बातचीत हुई और पूछा कि अम्मा मेरी ससुराल कहाँ हैं और मेरे पति कौन हैं। तो बुढ़िया ने बताया कि बेटी तेरा विवाह तो अलनी पलनों में हो गया लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कौन गाँव में हुआ और कहाँ हुआ, ये मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो आज मेरे श्रोताओं, जीवा बेटी उस बुढ़िया की बात सुनकर के और किस प्रकार से अपने महलों के लिए चली है, यहां से आप दूसरा भाग देखेंगे। आखिने आजूरे लली के छाई राए अरे आखिने आजूरे लली के छाई राए कोई कापत सुवर शरीर करके और अपने महल के लिए चली है। और क्या होता है, अरे इड़ियन सिड़ियन रे लली तब चढ़ गई अरे इड़ियन सिड़ियन रे जीवा बेटी चढ़ गई गई रूटा में बेटी और रूठा महल में पहुंच जाती है और जा करके रूठा महल में और लेट गई। लेकिन उधर जीवा की मां को यह मालूम हुआ तो आज बेटी के पास में आ जाती है और जब बेटी को व्याकुल देखा है तो पूछने लगी, बेटी क्या हो गया, अगर किसी ने कुछ कहा हो तो मुझे बता दो। तो आज और किस प्रकार से जीवा और कहने लगी है, पानी वारी वेरे कुआ टने आम
बात सुनकर के बोली, बेटी अगर भाभी ने ये कहा है तो कुछ ना कुछ तेरे अंदर दोष होगा। जीवा कहने लगी, माँ मुझसे थोड़ा जगरी का पानी फैल गया था, इसी वजह से भाभी मुझसे और ये बातें कहने लगी। और क्या कहा है बताने लगी। अरे ऐसे गुना होती रे लली मेरी आगारी, क्यों प्याए बला मदाई छोड़ कहने लगी। माँ बस तू मुझे इतना बता दे, कितना क्या बोली है। अरे कितनी उम्र मेरे ब्याह रोए गयो, मेरी कौन काम ससुरार शरणाई कराम के। अरे कितनी उम्र मेरे ब्याह मेरो है गयो, मेरी कौन देना। और क्या कहने लगी। कहा नाम तोरे ससुराई और जेठा को देसा चोवे तू बताई शरणाई कराम के। अरे कहा नाम तोरे ससुराई और जेठा को देसा चोवे तू बताई शरणाई कराम। श्रोताओं, जब इतनी बात जीवा बेटी के मुखारविंद से माँ ने सुनी है तो कहने लगी, बेटा बेटा इन बातों को मत पूछ। लेकिन जीवा कहने लगी, माँ अगर तू इन बातों को नहीं बताएगी तो सुन। आज जीवा बेटी माँ के कलेजे से लिपट करके कहने लगी है और क्या बोली है। के नाए बता कहने लगी, नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं करते हैं। अरे तू खेल खा, इन बातों से तुझे क्या लेना देना, इन बातों में बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन जीवा कहने लगी, मां हार है तेरा परमा जी।
जब जीवा की ये जिद देखी है तो बीरू भैया क्या कहने लगी है माँ, क्या बेटा सुन तुझे मैं बताती हूँ कि तेरी ससुराल कहाँ है और तेरे ससुर और जेठ क्या नाम है उनके, ये मैं सारा भेद तुझे बताती हूँ। और क्या कहा है के आलानी पाला नानी रे तेरे पिता ने लाखों का धनमाल दान में दिया, एक बींजनी नामक घोड़ी भी दान में दी। और क्या बताया है बता रही हूं। गगन और जेठ जेठ तुम्हारे हरी सिंह कहता है प्यारे बने वाले वरदार सरल कराम के जेठ तुम्हारे हरी संग कहता है प्यारे बने वाले वरदार सरल कराम के। लेकिन बेटी ये नहीं पता शादी को 12 साल हो गई सोना कराने आज तक क्यों नहीं आए। 12 साल तोरे बिया तू है गई सोते गोने के लिए नहीं है ना इस तरह ना ये कराम के। अरे 12 साल तोरे बिया तू है गई सोते गोने के लिए नहीं ना इस तरह ये कराम के। जब अपनी माँ की ये बात सुनती है तो आज जीवा और एक कदम हाथ मीड़ करके माँ से कहने लगी, माँ बस ठीक है तुम जाओ। और जीवा उधर रूठा महल से खड़ी होकर के वर्मा जी और क्या करती है